हेलो फ्रेंड्स, मैथ की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हम डिस्काउंट का चैप्टर खत्म कर चुके थे। इस क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है सिंपल इंटरेस्ट। तो चलिए जानते हैं क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में। सबसे पहले आता है प्रिंसिपल। उधार लिए गए पैसों को प्रिंसिपल कहते हैं और इसको पी से डिनोट करते हैं। इंटरेस्ट टाइम, जब कोई किसी को कुछ पैसे उधार देता है तो जितने समय के लिए वो पैसे उधार दिए गए हैं उस टाइम को इंटरेस्ट टाइम कहते हैं और इसको टी से डिनोट किया जाता है। अमाउंट, जब प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ दिया जाता है तो उस वैल्यू को अमाउंट कहते हैं, इसे ए से डिनोट किया जाता है। सो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जिसको हम ए इज इक्वल टू पी प्लस एस आई से भी लिख सकते हैं। इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। एस आई इज इक्वल टू ए माइनस पी भी हो सकता है। जब इंटरेस्ट हाफ ईयरली पे होगा तो रेट हाफ होगा और टाइम दो गुना। जब इंटरेस्ट क्वार्टरली पे होगा तो रेट 1/4 होगा और टाइम चार गुना होगा। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट, सिंपल इंटरेस्ट एस आई इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100 और एस आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन 100 भी हो सकता है। पी इज इक्वल टू एस आई मल्टीप्लाई 100 अपॉन आर मल्टीप्लाई टी। R is equal to SI multiply 100 upon P multiply T होगा। T is equal to SI multiply 100 upon P multiply R होगा। Second, जब rate of interest और time period एक से ज़्यादा हो, जैसे कि rate for first T1 years is equal to R1%, rate for second T2 years is equal to R2%, rate for third T3 years is equal to R3%, then total SI for 3 years is equal to P bracket R1 T1 plus R2 T2 plus R3 T3 bracket close upon 100 होगा। Third, अगर सिंपल इंटरेस्ट में एक सम अपने आप के n टाइम्स t ईयर्स में बनता है, देन रेट परसेंट पर एनम होगी r परसेंट इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन t मल्टीप्लाई 100% एंड t इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन r मल्टीप्लाई 100%। फोर्थ, R1% के रेट पे एक सम अपने आप के N1 टाइम्स बनता है और R2% के रेट पर अपने आप के N2 टाइम्स बनता है, देन R2 इज इक्वल टू N2 माइनस 1 अपॉन N1 माइनस 1 मल्टीप्लाई R1 एंड T2 इज इक्वल टू N2 माइनस 1 अपॉन N1 माइनस 1 मल्टीप्लाई T1। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। इस क्लास में हमने सिंपल इंटरेस्ट के 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पढ़ा। इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं और अगली क्लास में हम आगे के पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप PDF से प्रैक्टिस करते रहिए।